वालेकुम, मेरा नाम है अथर और आज का मेरा टॉपिक है कि जो लवर्स के अंदर हो या बजरी, स्पेशली मैं लवर्स की बात कर रहा हूँ, लवर्स लोडिनो और फिशर वगैरह, अगर इनकी एक आँख ख़राब हो या पैर इनका टूटा हुआ हो, चिचक में आँख ख़राब हो गई हो या पैर बिल्कुल टूट गया हो या चोंच थोड़ी ख़राब हो, तो क्या ये ब्रीडिंग करते हैं या नहीं। तो इसके ऊपर मेरा आज का टॉपिक है, ख़राब बर्ड जिसकी आँख और पैर और चोंच थोड़ी ख़राब हो, ये ब्रीडिंग कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते। तो उसका जवाब ये है कि यार बिल्कुल आसानी से ये ब्रीडिंग करते हैं, नॉर्मल बर्ड की तरह इसको ब्रीडिंग करते हैं। मेरे पास कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो ब्रीडिंग करते हैं, जो भी मैंने अपने ब्रीड पे लगाया, एक मादी ऐसी थी जिसका पैर बिल्कुल टूट गया था, अलग हो गया था, चिचक की वजह से ख़राब हो गया था, गल गया था, वो मेरे पास ब्रीडिंग कर रही है। उसके अलावा जैसे कि ये बर्ड बैठा हुआ है बिल्कुल आपके सामने, इसी को मैंने फोकस किया हुआ था, इस बर्ड की एक आँख नहीं है, ये चिचक में ख़राब हुई थी लास्ट ईयर। तो ये बर्ड जो है ब्रीडिंग करता है, ठीक है, इसको मैंने अलग निकाल दिया है किसी और वजह से, अभी तो मैंने अलग किया हुआ है, ये बर्ड मेरे पास ब्रीडिंग कर रहा है, मैं आपको इसकी ब्रीडिंग दिखाता हूँ। और इसके जो बच्चे हैं, ये जो हैं इसके बच्चे हैं, इसमें से नहीं, इसमें इसके बच्चे नहीं हैं, मैं आपको बच्चे दिखा दूँगा इसके, और एक और ऐसी मादी है जिसके बच्चे उसने अभी अंडे दिए हुए, वो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको उसको पकड़ कर दिखाता हूँ ये मादी किस तरह की है, इसकी आँख किस तरह से ख़राब हो गई है, ठीक है, इसको नज़र नहीं आता, एक आँख से बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, ब्लैंक है एक तरफ से, ठीक है, ये मादी है, ज़ूम हो जाए तो मैं आपको, ओके, एक आँख आप देख रहे हैं बिल्कुल इसकी ठीक है, दूसरी आँख जो है इसकी बिल्कुल बंद है, इसको यहाँ से नज़र नहीं आता, इसको कुछ भी यहाँ से फीलिंग नहीं है, तो बिल्कुल इसकी आँख ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये मादी ब्रीडिंग करती है। मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ और दूसरी मादी का रिजल्ट दिखाता हूँ, बिल्कुल एक्टिव मादी है ये माशाल्लाह से, और इसने एक दफ़ा में तीन बच्चे निकाले, एक दफ़ा में दो निकाले थे, फर्स्ट अटैम्प में से दो बच्चे निकाले थे और सेकेंड अटैम्प में जो है इसके तीन बच्चे निकले थे। तो ये एक मादी है, इसने दोबारा अंडे दिए हुए, ये मादी असल में थोड़ा सा रोशनी में जाना पड़ेगा, ओके आपको नज़र आ रही होगी ये मादी, इसकी एक आँख नहीं है, उसने अंडे दिए हैं, अंडों में बैठी है ये मादी और इसकी एक आँख नहीं है, ये एक आँख की मादी है, कहानी मादी कहलाती है, थोड़ा सा इसका फोकस हो जाए तो मैं आपको दिखा दूँ, आप देख रहे हैं ये मादी की आँख ख़राब है, पिछले ये ढाई साल से ये है मेरे पास मादी, एक आँख इसकी भी एक आँख है और एक आँख नहीं है इस मादी की, लेकिन ये ब्रीडिंग कर रही है, ठीक है, इसमें दोबारा अंडे दिए हुए, आपको पता चल गया होगा कि जो मादियाँ ऐसी होती हैं जिनकी आँख ख़राब हो या पैर ख़राब हो, वो मादियाँ ब्रीडिंग कर सकती हैं। सेकेंडली मेल जो है वो आपका ठीक होना चाहिए, अगर मेल की भी एक आँख है तो भी जोड़ा पूरा सही चल सकता है, ठीक है, अब मादी जो है वो इसकी आँख ख़राब है, उसने फर्स्ट अटैम्प में पास दो बच्चे निकाले थे और इस दफ़ा इसने सेकेंड अटैम्प में तीन बच्चे निकाले थे, अंडे चार से पाँच देती हैं, लेकिन कभी कभार मौसम की वजह से और किसी और वजह से जो है वो अंडे ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ऐसी मादियाँ ब्रीडिंग कर सकती हैं। अच्छा, जिनकी चोंच ख़राब हो वो मादी भी ब्रीडिंग कर सकती है, और नर अगर सही है तो वो सही फीड कराता है, और सेकेंड अगर एक पेड़ जो है वो आधा कटा हुआ हो तो ऐसी मादियाँ भी जो हैं वो ब्रीडिंग करती हैं, तो ऐसी मादियों में भी कोई इशू नहीं होता, ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी, अल्लाह हाफिज़, सी अमान अल्लाह।